इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक खाते से जुड़ी पांच बड़ी खबरें। जी हां, अगर आप लोगों का किसी भी इंडियन बैंक में अकाउंट है, चाहे भारतीय स्टेट बैंक में हो, एसबीआई बैंक में, केनरा बैंक, आईसीआईसीआई, किसी भी इंडियन बैंक में आपका अकाउंट है, तो ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। बैंक खाते से जुड़ी बड़ी ही काम की खबरें आई है, और अगर आप माई स्मार्ट गाइड के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको ऐसी ही काम की खबरें हर रोज आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। जल्दी से जल्दी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना लाल वाला बटन दबाकर, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमारी टीम को मिलता रहे, और हमारी टीम ऐसे ही आप लोगों के लिए काम की खबरें हमेशा लेकर आती रहे। अच्छा, वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक और बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। आप लोगों को कमेंट में सवाल का जवाब लिखना है कि बैंकों में कितने घंटे काम होता है। जी हाँ दोस्तों, कितने घंटे तक बैंक काम करते हैं, कुछ रैंडमली कमेंट्स को हमारी टीम की ओर से पिक किया जाएगा, और रैंडमली सिलेक्ट होने पर आप एक बंपर सरप्राइज पुरस्कार भी जीत सकते हैं। चलिए बिना टाइम विलंब किए आ जाते हैं आज का ताजा खबर अपडेट, मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में। पहली बड़ी बैंक खबर के बारे में जानकारी लेते हैं। सभी बैंक खाता वालों के लिए बड़ा अपडेट चुका है। 16 दिसंबर 2019 से 24 घंटे आप एनईएफटी से भेज पाएंगे पैसा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। निफ्ट ट्रांजेक्शन टू बी अवेलेबल 24x7 फ्रॉम दिसंबर 16। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण प्रणाली यानी एनईएफटी के जरिए 24 घंटे लेनदेन की सुविधा 16 दिसंबर से शुरू करने की शुक्रवार को घोषणा कर दी है। यानी सातों दिन ये सुविधा आपको उपलब्ध रहेगी। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि एनईएफटी लेनदेन को 24 घंटे सातों दिन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ग्राहकों को बैंक सूचित करेंगे, ऐसा भी बैंकों को बोला गया है, और इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन आ गया है, जहां पर आप इसकी जानकारी देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों बैंकिंग को लेकर ही। गलत बैंक अकाउंट में अगर आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बैंक आपको पैसे वापस दिलाएगा। कई बार जल्दबाजी में गलत बैंक डिटेल भरने के कारण हमारा जो पैसा वो गलत बैंक अकाउंट में चला जाता है। कई लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और पैसे को वापस कैसे हम पा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ जानकारी आप लोगों के लिए काम की है। किसी दूसरे के बैंक खाते में या अधिक पैसा ट्रांसफर होने पर अपने बैंक के पास शिकायत जल्दी से जल्दी आपको दर्ज करानी चाहिए। बैंक को गलत खाते से पैसे को सही खाते में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी, बैंक की जिम्मेदारी है। इसमें थोड़ा बहुत समय लग सकता है, 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। और जरूरी बात है कि गलती से अमाउंट ट्रांसफर वाले ज्यादातर मामलों में रिसीवर जो है वो पैसे लौटाने को तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मेरे खाते में पैसे आ गए तो मैं क्यों लौटाऊं। तो ऐसे में दोस्तों जो पैसे नहीं लौटा रहा है उसके खिलाफ हम कार्यवाही भी करवा सकते हैं, तो यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। तीसरी बड़ी खबर है दोस्तों काम की बात है ये भी। किसी भी बैंक में आप फटे पुराने जो कटे फटे नोट है वो बदलवा सकते हैं, आपको पूरा रिफंड मिलेगा, इसके कुछ नियम होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपका बैंक अकाउंट होगा उसी बैंक में आप ये कटे फटे और खराब नोट बदलवा पाएंगे, किसी भी बैंक में आप ये सुविधा ले सकते हैं, बदलवा सकते हैं। आरबीआई की ओर से ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा भी रिसेंटली आप लोगों ने एक और बड़ा अपडेट सुना होगा। बैंक जल्द ही जारी करने जा रहे हैं एक नया वाला कार्ड, यानी 10,000 रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बैंक एक नया कार्ड लॉन्च करेंगे, ताकि जो ये ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं और वहाँ पे जो फ्रॉड और स्कैम की घटनाएं बनती है उन पर कुछ लगाम लगेगी, और आपको भी टेंशन नहीं रहेगी अगर आप लोगों के अकाउंट में ज्यादा पैसा पड़ा है। आप अगर एटीएम इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये डर बना हुआ रहता है कि कहीं मेरे कार्ड की डिटेल लीक ना हो जाए। तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए आरबीआई ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया था, जिसमें बताया गया था कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक नया प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई जारी करेगी। यानी एटीएम के अलावा नए जमाने का ये प्रीपेड कार्ड होगा, और 10,000 रुपए तक के सर्विसेज और सामान आप इसके जरिए खरीद पाएंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर है दोस्तों बैंक हॉलीडेज को लेकर। दिसंबर 2019 में बैंक बंद रहने को लेकर आप लोगों ने खबरें देखी होगी। दिसंबर 2019 में कुल 9 दिन बैंक बंद रहने की खबर है। अब बैंक में जो छुट्टियां हैं उसकी ऑफिशियल जानकारी आप कैसे पाएंगे उसकी डिटेल भी आपको यहां पर बताई गई है। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा आप गूगल करके भी देख सकते हैं, बैंक हॉलीडेज आरबीआई लिखेंगे गूगल में तो आपको ऑफिशियल लिंक मिलेगा, और इस लिंक से आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहां पर आप जिस स्टेट में रहते हैं वो स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, महीना आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और साल यहां पर लिखा हुआ है 2019, और गो बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके जिले की, आपके जो रीजन की जानकारी है वो छुट्टियों की आपके सामने आ जाएगी। दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर 1 तारीख, 8 तारीख, 15, 22 और 29 तारीख को अवकाश रहेगा, ऐसी खबर है। वहीं 14 दिसंबर दूसरा शनिवार और 28 दिसंबर को चौथा शनिवार को भी बैंक बंद रहेगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। तो दोस्तों बैंक की जो छुट्टियां वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से तय की जाती है, तो ये आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही, एक और नई वीडियो में काम की जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।